देखिए ये पीछे का भाग है, ये पीछे का भाग है और पीछे भाग आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रिज को जब भी हम पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं, तो हमारी फ्रिज थोड़ी देर के बाद वाइब्रेट करती है, यानी धड़ धड़ की आवाज आने लगती है। इसे हम कैसे ठीक करेंगे, तो चलिए आइए नजदीक से हम आप लोग को दिखाते हैं। ये है रही फ्रिज, और फ्रिज में आप लोग देख सकते हैं इस पीछे का जो भाग है ये इस तरह पाइप लगी हुई है, इसमें जो गैस यहाँ से होके जाती है। थोड़ा नजदीक से दिखाइए, ये जो पाइप आप देख रहे हैं इसमें गैस, यहाँ पर गैस भरे जाता है। गैस भरने का जो यहाँ पर देखिए बहुत सारा इसमें झाला वाला लगा हुआ है, इसे हम साफ कर लेते हैं। और देखिए जो इसका गैस भरा जाता है वो पाइप ये है, ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर में चार भाग होते हैं, देखिए एक ए पाइप है और एक ए पाइप है और एक ए पाइप है और एक रिले के पास, यहाँ पर देखिए रिले लगा हुआ है, यहाँ पर एक पाइप लगी रहती है। और जो गैस भरने का होता है, यहाँ से हम गैस भरते हैं कंप्रेसर के अंदर। जब कंप्रेसर में गैस नहीं रहती है तो समझ जाइए कि हमारी फ्रिज ठंड कूल नहीं करती, कूलिंग नहीं करती है। और इसकी जो धड़ धड़ की जो आवाज़ आती है, इसके अंदर जो ये रबड़ लगे हुए होते हैं, जो कंप्रेसर पे जो रबड़ लगे रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस रबड़ की कट जाने की वजह से हमारा जो कंप्रेसर जब वाइब्रेट करता है उसमें धड़ धड़ की आवाज़ आती है, हमारी पूरी फ्रिज में आवाज़ आती है, वाइब्रेट करने लगती है। और ये जो है भाग आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से पानी आता है फ्रिज का, और ये उसका पानी रोकने के लिए बना हुआ है। जैसे कि हवा एक तरफ से आती है और दूसरे तरफ से कंप्रेसर से होके हमारी जो पाइपे में जाती है, जो ये पाइप है, पाइप में गैस होती है, गैस क्या करती है, हवा को जो इधर से हवा जाती है उसे ठंडी करती है, कूल करती है, और उसके बाद हमारी फ्रिज कूल होने लगती है। ये जो कंप्रेसर आप लोग देख रहे हैं ये 1 HP का है, यानी 1 HP का ये कंप्रेसर है, सारा खेल कंप्रेसर का ही रहता है। अगर कंप्रेसर में पाइप लीकेज है या फिर रबड़ कटा हुआ है या गैस नहीं है तो आपकी फ्रिज काम नहीं करेगी, ऐसी बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो चलिए इस फ्रिज को हम आगे से दिखाते हैं, आगे के भाग दिखाते हैं, इसे हम घुमा लेते हैं। अगर लेबर को मरवा तो कुछ तो फ्रिज का आगे का भाग है, आप लोग देख सकते हैं, इसे हम यहाँ से खोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ नियमे लिखे रहते हैं, यहाँ पर जो नियम है, ये जो बटन है, ये बटन जो है आप लोग देख सकते हैं, इसे आप घुमा सकते हैं, इसको हर एक 3 दिन के बाद आपको घुमाना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो है ठंडी का मौसम है या गर्मी का मौसम है उसके हिसाब से ये चेंज करना पड़ता है, आप इसे मौसम के हिसाब से रख सकते हैं। और आपको 3 दिन के बाद इसे चेंज कर, और इसमें जो है आप कोई धार वाली चीज़ नहीं रख सकते हैं और गर्म वाली चीज़ इसके अंदर नहीं रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा गर्म वाली चीज़ इसके अंदर रखते हैं, जैसे ताज़ा खाना हो गया, आप तुरंत लेकर आए इसमें रख दें, उसका जो भाप होता है उसके वजह से भी ये फ्रिज खराब हो जाती है और कूलिंग नहीं करती है, कई दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि इसके अंदर हम आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ से और कूलिंग करने का जो है यहाँ से है, ये जो वायर आया हुआ है हमारा, जो पाइप में से वायर आया हुआ है, और कूलिंग यहीं से होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कूलिंग होता है। तो आप लोग कोई भी समस्या आए, तो आप लोग कोई भी समस्या इस तरह का आए कि हमारी जो है फ्रिज वो वाइब्रेट कर रही है या धड़ धड़ की आवाज आ रही है, तो समझ जाइए कंप्रेसर का जो रबड़ है वो कट गया, उसे नया ला के डाल दीजिए, वो सही हो जाएगा। अगर आपका फ्रिज ठंडा नहीं कर रही है तो उसमें गैस भी खत्म हो सकती है, और दूसरा कारण होता है कि उसका रिले भी खराब हो सकता है, वो चेक करने के बाद पता चलेगा। आप इसे जो कैसे चेक करेंगे हम अगले वीडियो में पूरा बताएंगे, विस्तार से इसकी जो रिपेयरिंग करके बताएंगे, अगले वीडियो में हम आप लोगों को रिपेयरिंग करके बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।